वो है पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूला क्या करता है, इसके लिए बुकलेट में इसी के यहाँ पे साइड पे आप प्लीज़ एक डायग्राम बनाओ और साइड पे इसकी फॉर्मेशन लिखो फॉर्मूले की। तो आप इसमें ऐसे लिखो, ये सपोज़ आपके पास एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड मूव करेगा, जिसमें लिक्विड मूव करेगा। मान लो इस एंड पर प्रेशर P1 है और इस एंड पर प्रेशर P2 है। बनाते जाओ प्लीज़, इसी बुकलेट में बना लेना प्लीज़। तो प्रेशर P1 है और प्रेशर P2 है, ठीक है। और अगर ये लिक्विड राइट मूव कर रहा है तो प्रेशर P1 बड़ा है और प्रेशर P2 छोटा है, क्योंकि लिक्विड मूव इन अ पाइप फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। ठीक हो गया था। इनके दोनों पॉइंट्स के बीच में या ट्यूब के एंड में प्रेशर का डिफरेंस क्या बनेगा, P1 - P2, बड़ा प्रेशर माइनस छोटा प्रेशर, डेल्टा पी, P1 - P2। इसके अंदर लिक्विड एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है। लिक्विड जो बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड रेट से बाहर निकल रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को क्या लिखा जाता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। कई बुक्स इसके सिंबल को क्यू लिखती हैं और कई बुक्स इसके सिंबल को वी लिखती हैं, आपकी मर्जी है, पर ये वी फॉर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो ज़्यादातर बुक्स इसको क्यू लिखती हैं, क्यू का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। नहीं भी लिखोगे तो ये तो पता होना चाहिए वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ तक पॉइसली का फॉर्मूला ये कहता है, और ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है एल, लेंथ ऑफ द ट्यूब है एल, एल भी मार्क कर लो, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एल। पॉइसलीज का फॉर्मूला ये कहता है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एक ट्यूब में से डिपेंड करता है, और हाँ ये भी ड्रॉ करो, इसका जो रेडियस है ट्यूब का वो आर है, जो रेडियस है ट्यूब का वो स्मॉल आर है, लेंथ एल है और रेडियस स्मॉल आर है। तो पॉइसलीज फॉर्मूला ये कहता है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एक ट्यूब के अंदर इज प्रोपोर्शनल टू आर, इज सॉरी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही आपका पानी बाहर निकलेगा एक सेकंड में। भाई देखो ना, पाइप में प्रेशर कम है, प्रेशर डिफरेंस कम है तो पानी कम है, प्रेशर डिफरेंस पीछे ज़्यादा हो गया तो एक सेकंड में ज़्यादा वॉल्यूम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला रिजल्ट है। दूसरा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड प्रोपोर्शनल है R⁴, रेडियस जो है ट्यूब का उसके फोर्थ पावर पर डिपेंडेंट है, ये चीज़ ने बताया था। तो ये सेकेंड फैक्टर है, जितना बड़ा बड़ा जो है रेडियस होगा पाइप में पानी उतना ही जाएगा और बाहर भी उतना ही निकलेगा। नेक्स्ट फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, जितना बड़ा ईटा होगा मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बड़ी होगी उतना ही वो विस्कस लिक्विड होगा, थिक लिक्विड होगा, मूव करना मुश्किल है, फ्रिक्शनल फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो उतना ही वॉल्यूम कम निकलेगा पर सेकेंड। और जितना पतला लिक्विड होगा नॉन विस्कस तो ईटा उसका कम होगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड उसका ज़्यादा होगा। ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर आप ट्यूब की लेंथ छोटी रखेंगे तो एक सेकेंड में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ज़्यादा होगा, और अगर आप बड़ी रखेंगे, बड़ी कितनी मतलब आप इमेजिन करें आपने ट्यूब, हाँ मैंने एक टैप लगाया यहाँ पर, नलका लगा दिया, आपने कहा सर थोड़ा सा पानी देना, मैंने कहा ले पाइप लेके आ, मैंने पाइप लगाई, आप पानी ले के बात खत्म होगी, आपने बाल्टी भर ली। अब आप फिर द्वारा आ गए, कहते पानी भरना है, मैंने कहा भर ले। अब ट्यूब का कहता है, मैंने कहा पानी कहाँ भरना है, कहते हमने घर तक लेके जाना है, अपने घर तक इतनी बड़ी ट्यूब ले गए पानी की, और मैंने जब ये टैप लगाया पानी आया ही नहीं। अब तुम तो 2 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस दूर रहते हो, 2 किलोमीटर लंबी पाइप लोगे तो इतना प्रेशर डिफरेंस कैसे मेंटेन करोगे, पॉइंट समझ आ रहा है। तो ट्यूब के एंड पे प्रेशर डिफरेंस भी तो होना चाहिए, तो इसलिए ट्यूब की लेंथ जितनी छोटी होगी उतना ही वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बाहर आएगा। तुम लेंथ बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड घटता 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 ही जाएगा, प्रेशर डिफरेंस लंबी पाइप में मेंटेन किया नहीं जा सकता। और अगर आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी R⁴ ईटा एल, और एक कॉन्स्टेंट लगाया था पॉइसलीज ने π/8। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया π/8 डेल्टा पी R⁴ ईटा टाइम्स एल, ये रहा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला।
तो इसे नोट कर लें, इसे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक। रादर न्यूमेरिकल्स में एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक और नोट भी लिख लें, हमने लॉज ऑफ मोशन में किया भी था कि आपको अगर एक ट्यूब गिवन है जिसमें लिक्विड है और आपको इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का ए गिवन है और लिक्विड की वेलोसिटी वी गिवन है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी भी होती है। ये हमने पहले कभी यूज़ भी किया था लॉज ऑफ मोशन, आपको याद होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। और मैंने लॉज ऑफ मोशन ऐसे सिखाया था कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्रॉस सेक्शन के एरिया को वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आएगा। वर्क पार्ट में भी किया था, मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूमेरिकल आएगा। अगर तो न्यूमेरिकल आएगा किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी पे, तो वो, और अगर रेडियस लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन होगा तो ये फॉर्मूले से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकलेगा।